प्रतिष्ठान। महोदय, देश भर के किसान भाइयों के इस समारोह को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जब मुझसे इस समारोह के उद्घाटन के लिए कहा गया तो मैंने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भारत का किसान वह व्यक्ति है जो सदियों से इस देश की रीढ़ रहा है और अब भी है, और मैं समझता हूं कि आगे भी रहेगा। इसके दो कारण हैं। एक तो उत्पादकों की श्रेणी में किसानों को सर्वप्रथम स्थान है, और दूसरे उनकी देश में भारी संख्या है। किसान का काम इतने महत्व का है कि सारे राष्ट्र को उस पर निर्भर करना पड़ता है। मानव की सबसे पहली आवश्यकता उदर पूर्ति के लिए अनाज की उपलब्धि है, और यह कार्य किसान के ही बलबूते का है। इसके बाद कपड़े की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी रुई किसान ही पैदा करता है, और यदि वह चाहे तो चरखा चलाकर समय का उपयोग कर सकता है, जो यों ही नष्ट जाता है। और इस प्रकार कपड़े के लिए सूत भी तैयार कर सकता है। किसानों के कल्याण का अर्थ देश की जनता के एक बहुत बड़े भाग का कल्याण समझना चाहिए। हमारे देहातों की उन्नति और उनका यथोचित विकास वास्तव में बहुत दूर तक किसानों की उन्नति से बढ़कर और कुछ नहीं। यही कारण है कि देहात सुधार के सभी कामों की सफलता का मापदंड किसान की स्थिति को ही समझा जाता है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस संगठन में केवल खेतीहर लोग ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि उन सब संस्थाओं और वर्गों के प्रतिनिधि भी हैं जिनका खेती से संबंध है और जिनका दैनिक जीवन में किसानों से संबंध पड़ता है। हमारे किसान भाइयों का काम कुछ इस प्रकार का है कि अधिकतर उन्हें खेती या उसकी देखभाल के संबंध में गांवों में ही रहना पड़ता है। इसलिए ऐसे अवसर जब उनका संपर्क दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से हो सके, उन्हीं के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी मूल्यवान है। एक दूसरे से मिलना और विचार विनिमय करना दृष्टिकोण को अधिक विस्तृत बनाने का सर्वोत्तम साधन है। इन दिनों जबकि राष्ट्रीय निर्माण और विकास के कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई और चालू की जा रही हैं, इस प्रकार के संपर्क और एक दूसरे के विचार जानने का विशेष महत्व है। इसलिए मैं इस आयोजन का हृदय से स्वागत करता हूं और इसके संयोजकों को बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि दूसरी बातों के जानने के साथ साथ एक बात ऐसी है जिसका ज्ञान सहज और सुग्राह्य रूप से किसानों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित समाज की धारणा यह है कि हमारे देश के किसान रूढ़िवादी हैं और वे अपनी पुरानी रीति नीति को जल्दी नहीं बदलते, इसलिए उनमें नए विचार अथवा नई प्रक्रियाओं का प्रचार बहुत कठिन होता है। मैं समझता हूं कि यह एक अत्यंत भ्रामक विचार है। यह सच है महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि खेती के साथ साथ गोवंश की भी उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि हमारी खेती उसी पर निर्भर है। गाय हमें दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि के रूप में
पुष्टि कर भोजन देती है। इसके अतिरिक्त खेतों के लिए अच्छी से अच्छी खाद देती है, जिसको हम अपने अज्ञान से या तो बिल्कुल नष्ट कर देते हैं या उससे जितना लाभ उठा सकते हैं नहीं उठाते। वह बछड़े देती है जो हल जोतते हैं और गाड़ियों को खींचते हैं, यहाँ तक कि मरने पर वह बहुमूल्य चमड़ा भी दे जाती है। और यदि अन्य वस्तुओं का भी ठीक उपयोग करें तो अन्य आवश्यक चीजें भी उसके मृत शरीर से हम पा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि यदि हम गोपालन ठीक से करें तो एक बार फिर इस देश में दूध की नदियां बहने लग सकती हैं। इसके लिए कुछ रूढ़ियों को छोड़ना होगा और गाय के लिए समग्र सेवा भाव को ग्रहण करना होगा, अर्थात उसको अच्छा पुष्टिकर भोजन देने से लेकर नस्ल सुधार और मरने पर उसके शरीर से या जो कुछ भी लाभ उठाया जा सकता है उसको प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न होना चाहिए। जब तक कृषि सुधार और गो संवर्धन के कार्य साथ साथ नहीं किए जाएंगे तब तक खाद्य समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकेगी। खाद्य पदार्थों में अन्न आवश्यक है, पर दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि अर्थात गोरस भी किसी रूप में कम आवश्यक नहीं। देश की कृषि अनुसंधान शालाओं को जो खेती और पशुओं की नस्ल सुधार आदि का काम बराबर कर रही है, उस काम के परिणामों का किसानों में पूरी तरह प्रचार करना चाहिए। तभी देश को इन वैज्ञानिक खोजों का पूरा पूरा लाभ मिल सकता है। पश्चिमी देशों के परीक्षणों से खेती के क्षेत्र में इन अनुसंधानों और वैज्ञानिक खोजों का महत्व और उत्पादन पर प्रभाव भली प्रकार प्रमाणित हो चुका है। पूर्व में जापान ने वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार खेती करनी आरंभ की और इसके फलस्वरूप वहां के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गई। इस प्रकार अपने निर्वाह के लिए काफी खाद्य पदार्थ पैदा करने के लिए, जिसमें अनाज और गोरस दोनों हैं, किसानों को नई खोजों से लाभ उठाकर नई पद्धतियां अपनानी चाहिए। इस संबंध में आपके समाज का यह सुझाव कि किसानों को पूसा कृषि अनुसंधान शाला और राज्यों में स्थित अनुसंधान शालाओं में कुछ दिन रहने का अवसर दिया जाए अत्यंत प्रशंसनीय है। मेरा विश्वास है कि किसानों और हमारे अनुसंधानकर्ताओं के बीच इस प्रकार के मेलजोल का फल बहुत ही लाभदायक होगा और इस प्रकार किसान लोग सभी वैज्ञानिक खोजों को समझ और देखभाल कर काम में ला सकते हैं। भारत कृषक समाज इन सभी खेती और किसान संबंधी कार्यों में बहुत कुछ कर सकता है। यह किसानों का अपना संगठन है और व्यवहारिक सहायता की आशा कर सकते हैं। महोदय, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक, मानसिक योग्यता एवं क्षमता के साथ साथ वातावरण का भी बड़ा महत्व है। महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व पर उनके जीवन की परिस्थितियों एवं वातावरण की छाप के साथ साथ वंश परंपरागत संस्कारों का भी प्रभाव पड़ा। इनके बाबा उर्दू फारसी के विद्वान थे, पिताजी अंग्रेजी में एमए थे, नाना हिंदी संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत की पद्य रचना भी
करते थे तथा माता आस्तिक साधना कला एवं संगीत में रुचि लेती थी। परिवार की तीन पीढ़ियों के उपरांत बड़ी मनोती के बाद जब महादेवी जी का जन्म हुआ तो सभी अपने अपने ढंग से विदुषी बनाने के स्वप्न देखने लगे। बाबा सूफियों का विश्वास करते थे पर कर्मकांड पर नहीं। पिताजी नास्तिक तो नहीं थे परंतु संदेहवादी थे। वे व्यापक मानव धर्म को मानते थे और माँ सगुणोपासिका थी। ऐसे विविध पर सामंजस्यपूर्ण वातावरण में महादेवी जी को जीवन दृष्टि परिवार से मिली जिसने उनके निकट मनुष्य को अधिक मूल्यवान बना दिया। महादेवी वर्मा के जन्म का युग ऐसा था जब कन्या वध का प्रचलन समाज में था परंतु उनके घर में उनका जन्म बहुत शुभ मानकर उन्हें देवी के रूप में स्वीकार किया गया। अतः ऐसे पारिवारिक वातावरण के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनमें नारी के निजत्व को महत्व देने की क्षमता का विकास हुआ। उनके व्यक्तित्व में नारी के आत्मसम्मान एवं अहम का ऐसा रूप विकसित हुआ कि उन्होंने अपने स्वत्व एवं निजत्व की रक्षा के लिए सामाजिक मान्यताओं को भी ठुकरा दिया और नारी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनमें विद्रोहात्मक प्रवृत्ति भी जागृत हो गई। गद्य और पद्य रचनाओं में भी वे स्व संबंधी धारणा से मुक्त नहीं हो पाई और काव्य के क्षेत्र में तो वे अपने ही धरातल और सीमा से बंधी रहीं। महादेवी जी के दादा ने पुण्य लाभ की इच्छा से तो पोत्री का विवाह 7-8 वर्ष की आयु में रचा दिया परंतु महादेवी जी ने कभी भी वैवाहिक जीवन को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर राम पांडे के अनुसार वैवाहिक जीवन अस्वीकार करने के मूल में भारतीय नारी की युग युगों से चली आती हुई वह दयनीय दशा है जिनका उल्लेख उन्होंने अपने सामाजिक निबंधों में किया है। इसके अतिरिक्त पुरुष निरपेक्ष नारी व्यक्तित्व की स्थापना उनका जीवन व्यापी उद्देश्य भी इसमें सक्रिय रहा हो तो आश्चर्य नहीं। कुछ भी हो यह कटु सत्य है कि महादेवी ने विवाह को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया और स्त्री पुरुष के संबंध के प्रति विद्रोह कर बैठी। अपनी इच्छा का दमन करते हुए बाल विवाह की समस्या का शिकार बनकर अपने अहम की रक्षा हेतु असाधारण मार्ग अपनाया। चिंतनशील होने के कारण स्त्री पुरुष के संबंध के प्रति अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। उनके दृष्टिकोण के विकास में उनकी काव्य रचना में उदात्तीकरण के समावेश को सहायक माना जा सकता है।